टीआई का कारनामा, शराब तस्कर से की साठगांठ और लौटा दी पकड़ी गई 22 पेटी शराब। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पनवार थाना प्रभारी मुश्किल में फंस गए हैं। उनके क्षेत्र के पैकार और तस्कर से साठगांठ की बात सामने आई है। मतदान के एक दिन पहले ही एक पैकार से शराब की बड़ी खेप पकड़ी थी, फिर साठ गांठ कर 5 दिन बाद उसे वापस लौटा दी। यह पूरा कांड सीसीटीवी में कैद हो गया है। शिकायत के बाद एसपी ने जांच बैठा दी है। एसडीपीओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हद तो यह है कि इस थाना में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक ने उनकी करतूत का वीडियो बनाया तो उसका मोबाइल ही तोड़ दिया। आरक्षक ने हरकत का बनाया वीडियो तो मोबाइल ही तोड़ दिया। बताया गया है कि पनवार थाना प्रभारी आरएस बागरी ने 16 नवंबर की देर रात एक वाहन में लोड अंग्रेजी व देसी शराब की अवैध खेप को जब्त किया था। वाहन में करीब 42 पेटी शराब लोड थी। इसमें से करीब 20 पेटी की जब्ती दिखाई गई थी, जबकि अंग्रेजी शराब की 22 पेटियों को उन्होंने दबा दिया था। सूत्रों ने बताया कि बाकी की शराब की पेटियां थाना प्रभारी ने अपने कमरे में रखवा लिया था। 5 दिन बाद ठेकेदार से साठगांठ कर शराब की खेप को सोमवार की रात करीब 10 बजे अपने कमरे से बाहर निकलवाया और वाहन में लोड कर रामबाग शराब दुकान भेज दिया। थाना प्रभारी के इस करतूत का वीडियो थाना में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक ने बना लिया था। इतना ही नहीं, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना भी दे दी, जिसकी जानकारी होने पर थाना प्रभारी आरएस बागरी और उनका सहयोगी आरक्षक के आवेश में आ गया और प्रधान आरक्षक से गाली गलौज करते हुए मोबाइल छीन कर तोड़ दिया। इन्हें मिली है मामले की जांच की जिम्मेदारी। थाना प्रभारी के कारनामों की भनक लगते ही जानकारी डीआईजी मिथिलेश शुक्ला व एसपी विवेक सिंह को हुई तो उन्होंने सत्यता परखने के लिए एसडीपीओ डभोरा रूपेंद्र ध्रुवे को पनवार थाना भेजा। देर रात करीब 12 बजे एसडीपीओ थाना पहुंचे भी, लेकिन तब तक शराब की खेप टीआई के कमरे से रवाना हो चुकी थी। एसपी ने एसडीपीओ को मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद है घटना। शराब की खेप थाना तक लाने और टीआई के कमरे में उतरवाने का सीसीटीवी फुटेज थाना परिसर में लगे कैमरे में कैद है। इसके अलावा सोमवार की रात जब शराब की खेप को रवाना किया गया, वह भी सीसीटीवी फुटेज में है। लिहाजा अब जांच अधिकारी पूरे फुटेज को कलेक्ट कर रहे हैं, जिसके आधार पर आगे की जांच की जाएगी। कहीं से हमको जानकारी लगी थी कि थाना पनवार में कुछ शराब पकड़ी गई है और जिसमें कुछ ना कुछ गलत कार्रवाइयां थाना प्रभारी के द्वारा की गई है, जिसमें प्रथम दृष्टया उनको अभी लाइन अटैच किया गया है और पूरे समस्त प्रकरण की जांच के लिए एसडीओपी डभोरा को उसमें आदेशित किया गया है और जैसा उस जाँच में पाया जाएगा, जिस हिसाब से रिपोर्ट पाई जाएगी, उस हिसाब से अगली कार्रवाई इसमें की जाएगी। वो भी सारी चीज़ जैसा एसडीओपी को सभी चीज़ों का पूरे विस्तृत जांच करने के लिए बोला गया है और जो भी उसमें गलतियां पाई जाएंगी, जो भी त्रुटि पाई जाएगी, उस त्रुटिकर्ता के खिलाफ उसमें कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसी विवाद भी आई है कि मोबाइल तोड़ना या अन्य जो भी चीज़ें आई हैं, तो सभी तथ्यों को ध्यान रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। 3 बार पहले देखा जाएगा, अगर कोई ऐसा आरोप सिद्ध होता है कि उनको थाने रखने लायक उचित नहीं होगा तो बिल्कुल उसको थाने पे नहीं रखे जाएंगे ऐसे अधिकारी। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।